हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसबी फाइल्स की। सीएसबी फाइल्स मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल में हम रीड, राइट और अपेंड करना सीखेंगे। तो इस वीडियो के मेरे टेबल ऑफ कंटेंट्स ये आपके सामने हैं। आप किसी भी टाइम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टॉपिक के सामने टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पर आप क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन आप यदि इसको पहली बार देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा पूरे वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सीएसबी फाइल। सीएसबी फाइल एक टेक्स्ट फाइल है जो कि उसमें जो वैल्यूज रहती हैं वो कॉमा से सेपरेटेड रहती हैं। तो आप इसको एक एक्सेल फाइल जैसे मान सकते हैं जिसमें मेरे पास कॉलम्स रहते हैं जहाँ पर मेरी वैल्यूज रहती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में मेरे पास चार रोज हैं, चारों में तीन तीन वैल्यूज हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड हैं उसको आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में मान सकते हैं। तो पहला जो मेरा कॉलम हुआ वह नेम हुआ, जिसमें मेरे नाम राम, मोहन और सूरज है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कॉलम है मेरा, फिर सिटी कॉलम है। तो इस तरीके से आपकी टेक्स्ट फाइल रहेगी जिसका एक्सटेंशन रहेगा .csv। दीज फाइल्स आर ऑफन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस। इन फाइल का हम यूज तब करते हैं जैसे हमको कोई डेटाबेस में मेरे टेबल्स रहती है तो उस टेबल से डेटा बाहर एक्सपोर्ट करना है तो वो csv के फॉर्म में होता है, क्योंकि टेबल के डेटा को मैं कॉमा सेपरेट करके एक टेक्स्ट फाइल में रख सकता हूँ। उस टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होगा .csv। उसको आप टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली .csv फाइल को मैं एक्सेल शीट में भी ओपन कर सकता हूँ और एक किसी एक्सेल को मैं सेव एस करके csv फाइल में भी चेंज कर सकता हूँ। csv फाइल्स आर नॉर्मली क्रिएटेड बाई प्रोग्राम्स दैट हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसका यूज हम कब करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई डेटाबेस है जहाँ पर टेबल्स हैं कई सारी, उसको हमें डेटाबेस से बाहर अपने कंप्यूटर में लाना है, तब हम एक्सपोर्ट करेंगे टेबल्स को और csv के फॉर्मेट में उस डेटा को सेव कर लेंगे ताकि हम उस पर आगे काम कर पाएं। यदि मैं चाहता हूं उसका यूज़ करना पांडास में तो मैं उसको पांडास में यूज़ कर सकता हूं। यदि मैं उस पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूं यूजिंग फाइल हैंडलिंग ऑफ csv तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। पाइथन csv मॉड्यूल। पाइथन ने हमको एक मॉड्यूल दिया है जो कि csv मॉड्यूल कहलाता है। इसको हम इंपोर्ट करेंगे और csv फाइल्स पर काम करना देखेंगे कैसे काम कर सकते हैं। तो csv मॉड्यूल आपको अलग से PIP से इंस्टॉल नहीं करना है। csv मॉड्यूल आपका पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, जो कि आप जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में वो आ जाता है। तो आप उसको इम्पोर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे इम्पोर्ट csv। csv सारा ही स्मॉल में है। csv मॉड्यूल इम्प्लीमेंट क्लासेस टू रीड एंड राइट टेबुलर डेटा इन csv फॉर्मेट। तो csv मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे जिसका यूज करके हम csv फाइल में रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। आप जब इंपोर्ट करके csv इंपोर्ट करते हैं तब हमारे पास राइटर और रीडर ये दो फंक्शंस आ जाते हैं। राइटर का यूज करके मैं राइट करूंगा csv फाइल में और रीडर का यूज करके मैं csv फाइल में जो डेटा रहेगा एग्जिस्टिंग उसको रीड करूंगा। तो राइटर के अंदर अगेन दो फंक्शंस हैं, राइट रो एंड राइट रोज। तो राइटर का यूज करके मैं एक सिंगल रो भी लिख सकता हूं और मल्टीपल रोज भी लिख सकता हूं। तो इसका यूज हम डिफरेंट डिफरेंट हमारे टाइम पर करेंगे। तो हम एक एक करके रीडर और राइटर दोनों को ही देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राइटर मेथड की। तो राइटर मेथड आपके csv मॉड्यूल का एक मेथड है। जब हम इस राइटर को कॉल करते हैं और इससे किसी फाइल को ओपन करते हैं csv फाइल को, तो ये एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अपनी फाइल में csv फाइल में डेटा csv फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। csv फॉर्मेट मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं राइटर फंक्शन को मेरे कॉल करने के लिए मेरे पास उसका प्रोटोटाइप दिया हुआ है। तो इस प्रोटोटाइप में मैं सबसे पहले राइटर को कैसे कॉल करूंगा, csv.writer। उसके बाद यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं,
तो यहाँ पर मैंने चार पैरामीटर्स दिखाए हुए हैं, इनमें से हम जो रेड कलर में पैरामीटर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक पैरामीटर है डिलिमिटर। अभी तक हमने जो सीएसवी फाइल में देखा अंदर, उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहती हैं। आप डिफॉल्ट जो कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज हैं उनको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर डिफॉल्ट कॉमा रहता है, यहाँ पर आप हैश टैग भी दे सकते हो, तो सारी वैल्यूज हैश सिंबल से सेपरेट होगी। यहाँ पर आप जो भी देंगे उससे आपकी वैल्यूज सेपरेटेड होंगी आपके सीएसवी फाइल में। इसके ही साथ यहाँ पर होता है लाइन टर्मिनेटर। इसका मतलब होता है आपकी लाइन के एंड में वह क्या देगा, या तो नेक्स्ट लाइन देगा, या कोई स्पेस देगा, या कोई सिंबल देगा। तो इसका यूज करके आप लाइन को टर्मिनेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लैश आर और स्लैश एन दिया हुआ है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है। स्लैश आर का मतलब होता है कैरियज रिटर्न, और बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो कैरियज रिटर्न का मतलब होता है जहाँ भी मेरा पॉइंटर है फाइल में उसको लाइन के बिगनिंग में ले जाओ, और बैक स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पर ले जाओ। तो इन दोनों का मतलब होता है हमारी नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में मेरे पॉइंटर को लेकर जाओ। तो ये मेरा विंडोज का डिफॉल्ट लाइन टर्मिनेटर है, इसको यूनिवर्सल न्यू लाइन के नाम से जाना जाता है फॉर विंडोज। हम इनको आगे डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या होता है। साथ में ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ डब्ल्यू ओबीजे। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो एक ये राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करूँगा, राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर मैं अपनी सीएसबी फाइल में लिखना स्टार्ट करूँगा। तब जो भी डेटा मैं दूंगा वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं राइटर में मैंने पहले भी बात की थी, दो फंक्शंस होते हैं, राइट रो सिंगल रो लिखने के लिए, राइट रोज मल्टीपल रोज लिखने के लिए। तो इन दोनों मेथड्स को मैं कैसे कॉल करूंगा, राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू। सबसे पहले मैं राइटर से राइटर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इन दोनों फंक्शंस को कॉल कर सकता हूं। मैं सिंगल लाइन लिखने के लिए राइटर रो का यूज करूंगा, और मल्टीपल लाइन लिखने के लिए राइटर रोज का यूज करूंगा, सॉरी राइट रोज का यूज करूंगा, और राइट रो एंड राइट रोज। तो यहाँ पर मैं इसके पैरामीटर में यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस दूंगा, इधर वो लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, टपल हो सकता है, या एनी अदर सीक्वेंस हो सकता है। जनरली हम यहाँ पर लिस्ट का यूज करते हैं। तो लिस्ट में मैं जो भी वैल्यूज दूंगा सारी वैल्यूज आपकी सी एस बी फाइल में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में लिख जाएगी। यहाँ पर मैं नेस्टेड सीक्वेंस दूंगा, जैसे कि हम यहाँ नेस्टेड लिस्ट दे सकते हैं। तो एक लिस्ट के अंदर जितनी भी मल्टीपल लिस्ट होंगी वो आपकी डिफरेंट रोज के फॉर्म में आपके फाइल में लिख जाएगी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, दोनों का एक एक एग्जांपल देखेंगे, राइट रोज का एंड राइट रोज, राइट रो का एंड राइट रोज का। तो सबसे पहले मैं सीएसबी मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा। यहां पर मैं एक रो ले रहा हूं जिसमें मैंने एक नेम लिया है, डेजिग्नेशन लिया है, कुछ वैल्यूज ली हुई हैं। फिर मैं फाइल को ओपन करूंगा, यहाँ पर एक्सटेंशन मैंने .csv लिखा है। .csv एक्सटेंशन मुझे बताता है ये एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल है। इस csv फाइल को मैं एक्सेल में भी ओपन कर सकता हूँ, अभी हम देखेंगे जब हम कोडिंग करेंगे। इसको मैंने राइट मोड में ओपन किया है। csv फाइल आपका टेक्स्ट फाइल होता है, इसलिए मैं यहाँ पर बाइनरी मोड यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल w मोड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने राइटर फंक्शन कॉल किया हुआ है, क्योंकि राइटर फंक्शन csv मॉड्यूल में है इसलिए मैंने csv.writer कॉल किया है। यहाँ पर मैं फाइल पॉइंटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस फाइल को अभी मैंने ओपन किया था उसी फाइल का पॉइंटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक राइटर ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है। राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अपनी csv फाइल में लिख सकता हूँ। राइटर फंक्शन कॉल करने का हमारा मकसद ये था ताकि मैं इस फाइल में जो myfile.csv है उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में डेटा लिख सकूं। अब मेरे पास राइटर ऑब्जेक्ट आ गया। f.write करके भी मैं नॉर्मल लिख सकता था, लेकिन उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट के फॉर्म में डेटा लिखेगा, मुझे लिखना है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में, इसलिए मैंने
राइटर फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं राइट रो को कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं रो प्रोवाइड करूंगा जो कि मैं लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं एक पाइथन फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं अपना कोड लिखूंगा। सबसे पहले मैं इंपोर्ट सीएसवी करूंगा। इसके बाद मैं एक फाइल बनाऊंगा, ओपन करूंगा फाइल को ओपन फंक्शन के थ्रू, जिसका नाम मैं रखूंगा माई फाइल डॉट सीएसवी। इसको मैं राइट मोड में ओपन करूंगा। इसके बाद मैं, चूंकि मुझे सीएसवी फाइल में लिखना है, तो मैं एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डब्लू सीएसवी फाइल, सीएसवी मॉड्यूल के राइटर फंक्शन को कॉल करूंगा। यहाँ पर मैं अपना फाइल पॉइंटर प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद मैं W का यूज करके राइट रो फंक्शन कॉल करूंगा, क्योंकि मुझे सिंगल रो लिखना है। यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, मैं लिस्ट को यहाँ पर ले सकता हूँ। इसमें मैं क्या ले लेता हूँ, नेम ले लिया मैंने और इसकी एज ले लेता हूँ, दो वैल्यूज लेता हूँ। यहाँ पर फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा सिंपलेस्ट कोड है जिसके थ्रू मैं सीएसबी फाइल में लिख सकता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और ये सीएसबी फाइल में मेरे पास डेटा आ गया है। चलिए इसको देखते हैं हम इसमें क्या है। इसको मैं सबलाइम एडिटर में ओपन कर लूंगा, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नेम और 25 आ गया। तो ये मेरा था सिंपल सिंगल रो लिखने के लिए प्रोग्राम। आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट यदि मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये एक्सेल में ओपन होगा। देखिए एक्सेल में ऑटोमेटिकली कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएगी। तो मेरे पास दो कॉलम्स आ रहे हैं जिसमें नेम एंड 25 है। चलिए अब राइट रोज देखते हैं। राइट रोज में मैंने सेम चीज की हुई है, बस यहां पर मैंने चेंज किया है, राइट रोज फंक्शन कॉल कर रहा हूं और एक नेस्टेड लिस्ट पास कर रहा हूं। तो चलिए इसमें चेंज कर लेते हैं। यहां पर मैं नेस्टेड लिस्ट ले लेता हूं, यहां पर मैं कॉलम्स के नेम ले लूंगा। तो मेरे पास यहां तीन लिस्ट हैं, एक सिंगल लिस्ट एल के अंदर। यहां पर मैं किस फंक्शन को कॉल करूंगा, राइट रोज को। बाकी मेरा सब कुछ सेम रहेगा। चलिए इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो चुका है मेरा कोड। यहाँ पर मेरे पास तीन रोज आ गई है। पहले रोज में मेरा कॉलम का नेम है, दूसरे में वैल्यूज है, उसके बाद अगेन वैल्यूज है। अगर मैं इसको डायरेक्टली ओपन करूँ तो आप देखेंगे ये एक्सेल में ओपन होगा और यहाँ पर मेरे पास तीन रोज हैं। एक में मेरा कॉलम का नेम है, दूसरे में वैल्यूज है, उसके बाद अगेन वैल्यूज है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो ब्लैंक लाइन आई हुई है। जब भी मैं कोई लाइन लिखता हूँ उसके बाद एक ब्लैंक लाइन है, फिर मैं कोई लाइन लिखूंगा उसके बाद अगेन ब्लैंक लाइन आ रही है, फिर ये मैंने लाइन लिखी इसके बाद अगेन ब्लैंक लाइन है। इसलिए आप यदि इसको टेक्स्ट और टेक्स्ट एडिटर में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 7 लाइन्स है। मेरा हर एक लाइन के बाद एक लाइन एक्स्ट्रा आई हुई है ब्लैंक लाइन, फिर मेरा कर्सर 7th लाइन पर स्टार्टिंग में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है एक, क्योंकि राइटर का जब मैं यूज करता हूं तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन देता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा न्यू लाइन आफ्टर ईच लाइन इन सीएसबी फाइल। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं जब फाइल को ओपन कर रहा हूं तो मैं यहां पर न्यू लाइन को ब्लैंक दे दूंगा, दूसरा मैं राइटर जो फंक्शन है मेरा उसका लाइन टर्मिनेटर ऑप्शन जो मैंने पढ़ा था वहां पर बैकस्लैश एन बस दूंगा, बैकस्लैश आर हटा दूंगा। अभी हम देखेंगे ये ऐसा क्यों होता है, ये हमको पैरामीटर क्यों देना पड़ते हैं। चलिए हम दोनों का यूज करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे दो एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मैंने न्यू लाइन दिया है, यहाँ पर मैंने लाइन टर्मिनेटर बैकस्लैश एन दिया है। चलिए हम दोनों को यूज करके देख लेते हैं। पहले हम न्यू लाइन का यूज करते हैं। न्यू लाइन हमको यूज करना पड़ेगी जब हम फाइल ओपन कर रहे हैं। तो मुझे जब फाइल ओपन कर रहा हूं तब यहां पर न्यू लाइन एक पैरामीटर है ये देना पड़ेगा।
इसको मैं ब्लैंक दूंगा। अब देखते हैं हम इसको एग्जीक्यूट करके। ओके, मेरे एक्सेल यहाँ पर ओपन है, इसको मैं क्लोज करूंगा। चलिए फिर रन करते हैं हम, ये एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली। अब आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइंस नहीं आई है, तो एक मेरा ये वाला सॉल्यूशन वर्क करा। अब चलिए हम इस सेकेंड सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर लाइन टर्मिनेटर को मैं \n दूंगा या \r दूंगा, दोनों साथ में नहीं दूंगा। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम न्यू लाइन हटा देते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ लाइन टर्मिनेटर इज इक्वल टू \n, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया है मेरा, आप देख सकते हैं अगेन मेरे पास कोई स्पेस नहीं आया है, सारी लाइन एक साथ आई है। मैं इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन और लिख के आपको बता देता हूँ, अभी तक मेरी 3 रोज थी, इसमें एक और लाइन लिख देता हूँ मैं। देखिए कोई स्पेस नहीं आया, तो मेरे दोनों सॉल्यूशन वर्क करेंगे। यहां पर मैं क्या करूंगा, \n की जगह \r भी दे सकता हूं। देखिए अगेन कोई स्पेस नहीं आया। अगर मैं \n और \r जो कि डिफॉल्ट है दोनों देता हूं, तब आप देखेंगे यहां पर एक एक एक्स्ट्रा लाइन आती है। तो इसी डिफॉल्ट बिहेवियर को हटाने के लिए आइदर मैं एक \r दूंगा या \n दूंगा, दोनों में से कोई एक दूंगा, तो ऐसे में मेरा एक एक्स्ट्रा लाइन जो आ रही है नहीं आएगी। चलिए अब हम देखते हैं ये सॉल्यूशन जो हमारा वर्क किया ये मुझे क्यों देना पड़ा। सबसे पहले इसके लिए आपको जानने समझने के लिए यूनिवर्सल न्यू लाइंस के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सल न्यू लाइंस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में न्यू लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से डिनोट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैक ओएस में मैं \r का यूज करता हूँ, जो कि कैरिएज रिटर्न कहलाता है, जिसका मतलब है अगर मैं \r देता हूँ मैक ओएस में तो ये मुझे न्यू लाइन पर ले जाएगा। यदि मैं यूनिक्स में अपना कोड रन कर रहा हूँ और \n देता हूँ तो ये यूनिक्स में मुझे न्यू लाइन पर ले जाएगा, और MS-DOS और विंडोज में मुझे कैरिएज रिटर्न और न्यू लाइन दोनों ही का यूज करना पड़ता है नई लाइन में जाने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमको ये सॉल्यूशन यहाँ पर न्यू लाइन क्यों देना पड़ा। हम दोनों सॉल्यूशन को एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मुझे न्यू लाइन ब्लैंक क्यों देना पड़ा। यदि मैं न्यू लाइन ब्लैंक नहीं देता हूँ, एम्प्टी नहीं करता हूँ, देखिए यहाँ पर न्यू लाइन एम्प्टी नहीं करता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट न्यू लाइन जो होती है उसकी वैल्यू होती है नन। तो इस केस में जब मैं फाइल में लिखता हूँ, देखिए फाइल में लिख गया है और ये एक एक लाइन एक्स्ट्रा लाइंस के साथ आया है, तो जब यहाँ पर मैं न्यू लाइन को नहीं देता हूँ तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू नन होता है, और फाइल में जब लिखा जाता है तब लाइन टर्मिनेटर का डिफॉल्ट वैल्यू \r एंड \n होता है। तो इस केस में क्या होता है, यदि यहां पर नन है तब पाइथन बाय डिफॉल्ट \r को ट्रीट करता है कि यह फाइल दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से आई है, जिसमें \r का मतलब होता है न्यू लाइन। तो इसको ये विंडोज के न्यू लाइन से दैट इज \n से कन्वर्ट कर देता है, तब हमारा लाइन टर्मिनेटर का वैल्यू जो कि \r एंड \n था वो हो जाता है \n एंड \n। इसलिए मेरे पास दो लाइंस आ जाती है। यदि मैं इसको \r बस करता हूँ तब ये \r से सिंगल न्यू लाइन होगा, यदि मैं यहाँ पर \n करता हूँ तब ये \n ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तभी भी एक न्यू लाइन रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं यदि \r और \n इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहने देता हूँ तब क्या होगा, नन के केस में यहाँ पर ये दो \n से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ न्यू लाइन में एक ब्लैंक देता हूँ। यहाँ पर ब्लैंक देने से क्या होता है, ये ओपन फाइल अपने डिफॉल्ट बिहेवियर को छोड़ देता है,
डिफॉल्ट बिहेवियर क्या था इसका, ये बैकस्लैश आर को बैकस्लैश एन में अब कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बैकस्लैश आर को बैकस्लैश एन में कन्वर्ट नहीं करेगा। तब मैं अगर इसको ऐसा रन करता हूं इसके डिफॉल्ट वैल्यू के साथ बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन, तो आप देखेंगे यहां से मैं इसको हटा देता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर बैकस्लैश आर एंड बैकस्लैश एन दोनों थे लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आया है। तो इसलिए मुझे एक न्यू लाइन को यहां पर मुझे सिंगल ब्लैंक देना पड़ा, अदरवाइज यहां ब्लैंक नहीं दूंगा तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू नन रहेगा और बैकस्लैश आर जो मेरा है वो बैकस्लैश एन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यदि मैं यहां पर न्यू लाइन नहीं देता हूं तो यहां से मुझे एक दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा ताकि सिंगल लाइन ही रहे। तो ये था मेरा सॉल्यूशन फॉर व्हाई वी हैव टू गिव दीज टू, आइदर दिस न्यू लाइन और लाइन टर्मिनेटर। आप अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिंक दी हुई है, आप पाइथन डॉक्यूमेंट्स में जाकर आगे और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही में हम बात कर लेते हैं राइटर का एक और पैरामीटर जो हमने देखा था, दिस इज लाइन टर्मिनेटर, इसका डिफॉल्ट वैल्यू बैकस्लैश एन बैकस्लैश आर होता है इसलिए हम इसको दोबारा नहीं देते हैं। इसके साथ ही हमने डिलिमिटर की बात की थी, तो डिलिमिटर बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है, इसको मैं हटा के हैशटैग कर सकता हूं। अब इसको हम रन करते हैं, ये सक्सेसफुली रन हो गया है प्रोग्राम। अब फाइल देखते हैं तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज हैशटैग से सेपरेटेड है। तो ये मेरे थे दो पैरामीटर, एक लाइन टर्मिनेटर दूसरा डिलिमिटर। अदर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोट कैरेक्टर का मतलब होता है सारे कैरेक्टर्स कोटेशन में आएंगे, यदि आप जो कोट दे देंगे वहां पर उस कोटेशंस में आएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीडर मेथड की। सीएसबी फाइल में एक नेक्स्ट मेथड होता है रीडर, जो कि आपकी फाइल को रीड करने के लिए यूज होता है। अभी तक हमने फाइल में राइट किया, अब हम उसमें से डेटा को रीड करेंगे, तो ये अगेन आपके रीडर ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। तो csv.reader यहां पर मुझे csv फाइल को देना पड़ेगा अपना, और उस फाइल का ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में सारी रोज आ जाएगी। उस रोज को एक एक करके मैं कैसे पढ़ूंगा यूजिंग फॉर लूप। चलिए इसको भी हम देखते हैं, इसको यहां पर मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर अगेन इंपोर्ट csv करता हूं, उसके बाद मैं फाइल को ओपन करूंगा। मेरी फाइल थी myfile.csv, इस बार मैं उसको रीड मोड में ओपन करूंगा। रीड मोड में ओपन हो चुकी है, इसके बाद मैं एक रीडर ऑब्जेक्ट R बनाता हूं, इसका यूज करके csv मॉड्यूल के रीडर फंक्शन का यूज करूंगा। इस रीडर फंक्शन में मैं पास करूंगा अपने csv फाइल को, csv फाइल का पॉइंटर मेरा f है, इसको पास करूंगा। इसके बाद मैं रीडर r में जो भी वैल्यूज आई है उसको कैसे रीड करूंगा, फॉर i इन r, एक एक रो सारी रो इसमें आ जाएगी, एक एक रो को मैं फॉर लूप से रीड करूंगा। इसके बाद मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर चार रोज थी, चारों एक एक करके प्रिंट हो गई है। तो ये थे आपके रीडर और राइटर फंक्शंस, एक एग्जांपल भी आप यहाँ रीडर का देख सकते हैं, सेम जो मैंने किया है, ये फाइल को ओपन किया, यहाँ पर रीडर ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर सीएसबी फाइल का पॉइंटर दिया जिससे मैंने फाइल को ओपन किया था एफ, फिर यहाँ पर लूप से मैंने डेटा को रीड कर लिया। यदि मेरे पास ये सीएसबी है जिसमें ये वैल्यूज है तो ये एक एक करके लिस्ट के फॉर्म में मुझे डेटा दे देगा। तो ये मेरे था csv फाइल का रीडर एंड राइटर। यदि आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।